नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं बहस समाचार। आई नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों के बाद कई प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं कोई प्रत्याशी जश्न में फायरिंग कर रहा है तो कहीं कोई प्रत्याशी अपने ही गांव में वोट न डालने से चुनावी रंजिश निकाल रहा है। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव परता नगला में एक परिवार को बीडीसी चुनाव में वोट न देना पड़ गया भारी। परिवार की महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव में बीडीसी के लिए एक मोहन नाम का व्यक्ति व दूसरे गांव का गरीब युवक अपने चुनाव के प्रत्याशी रूप में खड़ा हुआ था। महिलाओं ने बताया है कि उनके परिवार ने गरीब युवक को वोट डाला था, लेकिन मोहन नाम का युवक बीडीसी का चुनाव जीत गया, जिसे उसके परिवार को द्वारा वोट न डालने की जानकारी हुई तो शुक्रवार की देर रात को उसने अपने समर्थकों के साथ घर पर चढ़ाई कर दी और पथराव करते हुए कई राउंड फायरिंग भी की। महिलाओं के मुताबिक उस वक्त घर के सभी पुरुष खेत पर गए हुए थे। काफ़ी देर तक फायरिंग और पथराव करने के बाद धमकी देते हुए सभी लोग चले गए। मौके पर करीब 9 खोखा कारतूस और ईंट पत्थर पड़े हुए देखे जा सकते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई और पीड़ित परिवार ने पुलिस से अपनी जान बचाने की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। झगड़ा किस बात पर हुआ था भैया? झगड़ा इस बात का हुआ था कि गांव से दो ठाड़े थे बीटीसी पे, एक नाऊ का ठाड़ा था, एक जमोन ठाड़ा था। हमने नाऊ का गरीबी देख के उसको वोट दे दी। अब जिस जाने जादन से वोट परे वो भयो जाई दिन आते जे हमें रोज गाली दें तो आया है कि हमारे द्वार पे के गाली दें तो जान तो हम तो ना कछू करते। आज जाने ऐसा मौको देखे हमारे आदमी पानी लगाए हुए चले गए, जाने हमारे घर पर आए कि चढ़ैया करिए और ईंट दइए और फेड़ करें, आदमी कोई ना तो ना है। कौन कौन था? जी चार जने, विकास और मोहन और बूची और अन्ना। और हमने फिर अपने आदमी ने फोन करें जब बुलाए घटना की तस्दीक करने के पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए इस संबंध में थाना इलास में 247/21 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया है। इसमें बीडीसी विजय के भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया और जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, किस बात को लेकर उसने फायरिंग करी पता चल पाई है? अभी जाँच की जा रही है, बट प्रथम दृष्टया प्रतीत ऐसा रहा कि विजयी घोषित होने के बाद जिन्होंने इनको वोट नहीं किया उनके साथ इनके द्वारा मारपीट की घटना प्रकाश में आई है।